जो हमारे सिस्टम जो नहीं चल रहा नीचे लिटिगेशन का, आप वकला हजरात यहाँ बैठे हैं, सब दोस्त हैं, मैं भी वकील था पहले, एडजर्नमेंट्स आपसे आ रही हैं, स्लो कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 80% जो डिले है केसों का वो एडजर्नमेंट्स की वजह से। तो ये आपको सोचना है और बाहर के लीडर्स को सोचना है। जिस तरह हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, आपकी भी कंटिन्यूटी नहीं है। एक सदर बात करके जाते हैं, अगला सदर आता है वो कहते हैं जी मैंने तो कहा ही नहीं था ये सारी बातें। तो आपको एसोसिएशंस को प्लीज़ सोचना है। द बार एसोसिएशंस नीड टू हैव कंटिन्यूटी, दिस कैन नॉट वर्क लाइक दिस कि मैं आपसे बात करता हूँ, अगले जो सदर आते हैं वो कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं था ये बात। इस तरह नहीं चल सकता इदारा। तो लेट्स ऑल गेट सीरियस अबाउट दिस कि हमने एडजर्नमेंट्स का क्या करना है। सारी दुनिया में कॉस्ट डाली जाती हैं अगर मुकदमा गलत हो जाए या अगर आप फेल हो जाए। हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। अब ये रिवाज डालते हैं तो बार अपसेट हो जाती है। अब बार को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कर्टेल करने का कोई तरीका नहीं है अनलेस यू पुट कॉस्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कॉस्ट मिलती है दूसरी पार्टी को। तो खुदारा बार से भी मेरी सपोर्ट ये चाहिए कि कॉस्ट हमें इम्पोज करनी पड़ेगी। वी हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, बट आई वॉन्ट द सपोर्ट ऑफ द बार दैट दिस हैज टू हैपन। इफ़ यू टेक समबडी ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट इन अ फ्रिवोलस मैटर, देयर हैज टू बी कॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे। द होल वर्ल्ड डज दैट, पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं करता जो करना ज़रूरी है। और मेहरबानी कीजिए सारे जो बैठे हैं यहाँ बड़े, आप लोग देखें इस बात को, नाराज़गी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब फिर आप देखें, आप आए दिन स्ट्राइक्स करते हैं। अब खुदारा एक तरफ हम सिस्टम ठीक करने निकले हैं ना, अब स्ट्राइक्स क्या होती हैं जी? जी तुर्की में फलां चीज़ हुई है तो स्ट्राइक हो गई है चिन्योट में। वो जी पता चला है जी पता नहीं बाहर के किसी मुल्क में क्रिकेट मैच हार गए हैं तो पता चला गुजरांवाला में स्ट्राइक है। इज दिस द वे सिस्टम रन्स? इज दिस द वे यू थिंक जुडिशरी इज गोइंग टू रन? आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक आदमी, एक लिटिगेंट को क्या कॉस्ट देनी पड़ती है डेली कोर्ट केसेस में आने की। देर आर पीपल हु सेल देयर लाइफ स्टॉक टू कम टू कोर्ट, मतलब बकरियाँ बेचते हैं, भैंसे बेचते हैं अदालत आने के लिए। आप आगे कहते हैं स्ट्राइक है क्योंकि क्रिकेट मैच हार गए। Come on, let's get serious and I'm very frank, being very frank with my bar leaders sitting here. आप सोचें इस बात को, इस तरह नहीं चल सकता। अच्छा जी, दूसरा ये स्टे ऑर्डर कल्चर भी ख़त्म होगा क्योंकि ये IT सिस्टम जो हमारा आ जाएगा, स्टे कैन नॉट गो ऑन, सॉरी स्टे विल गेट द कलर कोडिंग डन, विल गेट पीपल हु गेटिंग स्टे ऑर्डर्स। ये नहीं हो सकता दैट यू सॉर्ट ऑफ रेंट सीकर्स जो बैठे सिस्टम में चला रहे हैं हमारे कंधे पे स्टे लेके और फिर जो भी करते हैं, ये नहीं होगा। So the this system will not be allowed to be manipulated by the mafia operating in the system, which is playing the system. So hopefully with the IT and AI jo hum banana cha rahe hain, we cut through this entire system and try to improve it. Dusri cheez ye hai jo aapke liye badi khushain hai ki aapke lowest number of lawyers per capita hai Pakistan mein. I mean in Pakistan there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million. तो आप देखें UK में एक लॉयर है 203 लोगों के लिए, इन इंडिया चलो ऑस्ट्रेलिया में एक है 300 लोगों के लिए, पाकिस्तान में एक है 1000 लोगों के लिए। तो इसलिए वी नीड मोर लॉयर्स, बट जेन्युइन लॉयर्स, एन एक्चुअल लॉ डिग्री लॉयर्स, बिकॉज देयर इज एन इम्पोस्टर की भी कहानी चल रही है, उसको भी ख़त्म करें। तो इसलिए ADR की तरफ हमें चलना ज़रूरी होगा और बहुत लाजमन है कि हम इस तरफ चलें। एक और खुशाइन बात आपसे करने लगे हैं कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने स्टेट ऑफ द आर्ट आर्बिट्रेशन कानून बना लिया है और सेकंड को हम हैंडओवर कर रहे हैं टू द लॉ मिनिस्टर कि इसकी कानून साजी की जाए पाकिस्तान में। लॉन्ग ड्यू इशू हमारा इस वक्त आर्बिट्रेशन का कानून 1940 का है जो हर स्टेप पे कोर्ट को इन्वॉल्व कर देता है। तो पाकिस्तान में आज से पहले आपने अगर आर्बिट्रेशन करनी है तो पहले आर्बिट्रेशन कर लें और फिर मुकदमा चलाएं। तो यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स। ये आर्बिट्रेशन का हाल था हमारे पाकिस्तान में। दुनिया भर में आर्बिट्रेशन जब आप करते हैं तो अवार्ड को कोई टच नहीं करता, बड़ा रेयर या बड़ा लिमिटेड ग्राउंड्स पे आप टच कर सकते हैं अवार्ड को। पाकिस्तान में जो चीज़ स्टेप करते हैं आपका स्टे मिल जाता है अदालत से और आर्बिट्रेशन कभी चलती नहीं है। सो वी हैव कम अप विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द कंट्री अंडर द बैनर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कमीशन द लेटेस्ट आर्बिट्रेशन लॉ इन द वर्ल्ड। वी ऑल्सो लुक्ड एट इंडिया, जो रिसेंट आया है उसकी सारी हमने जो ऑब्जेक्शन उस पर आई थी उससे भी आगे चले गए हैं। अब हम इनको दे रहे हैं टू द गवर्नमेंट एंड दे नीड टू इन्फोर्स इट। इससे दो चीज़ें होंगी, एक आम आदमी के लिए एक एवेन्यू खुल जाएगा कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वो अपना कर सकता है ज़िलों में जाके, जो हमारा ADR सेंटर बनेगा हर ज़िले में, आप जाके आर्बिट्रेट करें।
और अपना मसला हल करे, और दूसरा इकॉनमी को बहुत बेहतर करेगा। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम वील हैव इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन सेंटर इन इस्लामाबाद, जिसके लिए आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कभी किधर जाते हैं मुकदमा लेके, आपके पास इन हाउस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी आ जाएगी। तो आर्बिट्रेशन इतना खुशाइन लॉ है कि आपको लिटिगेशन से हटना पड़ेगा, और मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिटिगेशन इज़ योर लास्ट रिकोर्स, यू मस्ट फर्स्ट ट्राई टू मीडिएट, आर्बिट्रेट एंड ओनली देन गो फॉर लिटिगेशन, विच इज़ द अदर वे अराउंड इन पाकिस्तान, विच इज़ नॉट द डन थिंग। उसके बाद नई चीज़ जो दुनिया में हो रही है और हम फिर पीछे रह गए हुए हैं, मैं अभी दोहा से होके आया हूँ जहाँ 50 ज्यूरिस्डिक्शंस के कोर्ट से लोग आए हुए थे। दुनिया भर में कमर्शियल कोर्ट्स हैं, और आपको मैं बताऊं कि दुनिया भर में कमर्शियल कोर्ट्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर एनी अदर कोर्ट। अ क्रिमिनल केस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड इज़ अ कमर्शियल कोर्ट। वाई? बिकॉज इट बूस्ट योर इकोनॉमी, इट लुक्स आफ्टर दी businesses of the country and injects that kind of rigor in the economy, which is essential and more important than any other case. Hamara commercial court hi koi nahi, hamara commercial court usi ke sath chal raha hai jo baki cheeze chal rahi hain. To humne udhar propose bhi kiya Doha mein, aur ab inshallah aage chal rahe hain is mamle mein ki pura commercial corridor banega Pakistan mein. Zile mein aapka commercial case jo bhi define kar le, aap commercial cases largely businesses se relate karte hain, वो कब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में उसका कमर्शियल डिवीजन, एंड इवन एट द सुप्रीम कोर्ट इसमें टैक्स केसेस, जो भी रेवेन्यू के केसेस हैं, ये कमर्शियल कॉरिडोर जब तक नहीं बनेगा, आपके जो इकोनॉमी के मामलात हैं, जो बार बार आके हमें बताते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ बैंकों के फंसे हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ टैक्स अथॉरिटीज़ के फंसे हुए हैं, तो फिर उसको चलाने का कोई तरीका बताए ना। उसका तरीका ये है कि कमर्शियल कॉरिडोर हमें अपना डेवलप करना है, और उस पर काम जारी है, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये कोई नई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, अभी जैसा मैंने वो कहा, तकरीबन हर एडवांस्ड मुल्क में और ख़ास तौर पे इस हमारे साउथ एशियन रीजन में दिस इज़ गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड वी हैवंट कम टू दिस ईयर। उसके अलावा जो एक और बात करना चाह रहा था मैं, वो ये है कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन हमारी बिल्कुल पुअर, एंड दैट इज़ नॉट ऑन। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 230 मिलियन है, 50% ऑलमोस्ट खवातीन, लेकिन वो नज़र नहीं आती हमारे जुडिशल सिस्टम में। क्यों नहीं नज़र आ रही थी, क्यों नहीं नज़र आ रही, क्यों नहीं हम जज ले रहे खवातीन को? सो अगर आपको मैं स्टेटिस्टिक्स बताऊँ, जिस इज़ यू नो वी नीड टू ब्रिंग दैट परस्पेक्टिव इन, आप तो ये ना समझे कि खातून को ले आएंगे क्या, एक पूरा परस्पेक्टिव मिसिंग है जुडिशल अंडरस्टैंडिंग का। वी डोंट नो हाउ टू डिसाइड अ पर्टिकुलर मैटर, अ वुमन वुड लुक एट द होल इशू डिफरेंटली, देयर हैज़ टू बी अ टोटल डिफरेंट लेंस, वो लेंस ही मिसिंग है हमारी। तो ये मत समझिए कि हम कहते हैं खातून आके बैठ जाएं तो चलो बराबर, नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इन रिचेज योर ज्यूरिसप्रूडेंस, इट ब्रिंग्स इन अ टोटल न्यू परस्पेक्टिव टू व्हिच आई एम नॉट अलाइव टू, ये बात ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कितनी है जी, 562 वेमेन है पूरे पाकिस्तान में जजेस, 3000 या 4000 जजों में से 562, जो 16% बनती हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस हैं, और हमारी कुछ हाई कोर्ट्स में मिला के भी थोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज़ नथिंग टू रियली राइट होम अबाउट, हमें इसको बढ़ाना है। हम वी हैव टू टेक अ स्पेशल स्टेप टूवर्ड्स दिस, दैट वी ब्रिंग इन जजेस एट द हाई कोर्ट लेवल, we bring in women judges at the district level, we bring them at the supreme court level, we get them involved in all decision making, the decision making changes. I sit with justice Aisha, justice Musarrat Hilali, I tell you ke aise aise mamlaat aate hain family ke jo mera to angle hi nahi hai, main samajh nahi pa raha us cheez ko, lekin wo bata rahi hain ki is tarah bhi ek cheez ho sakti hai, and I learn, I'm missing out on all that. So isliye I'm sure number of courts are missing out on that. The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up. Uske alawa training pe hum aapse sir share karna cha rahe hain ki jab tak कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग नहीं होगी सिस्टम नहीं चल सकता। वी ऑल गेट स्लगिश, वी ऑल गेट रस्टी, वी नीड टू गो थ्रू ट्रेनिंग। हमने फेडरल जुडिशियल अकेडमी को री इन्वेंट कर दिया है, हमारे 4000 जजेस हैं, आज तक वो 4000 जजेस कभी अकेडमी में आए ही नहीं थे। हमने फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिटी सिस्टम है व्हाट्सएप का, उसको इस्तेमाल करते हम सारे 4000 जजेस के साथ इन टच हो गए हैं। वी सेंडिंग देम ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन वीडियोस फॉर देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और उसके अलावा
48,000 हमारा पैरा लीगल स्टाफ है पाकिस्तानी एलमा द रीडर 48,000 पीपल दे हैव नेवर सीन एन एकेडमी दे डोंट नो व्हाट ट्रेनिंग इज दे डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट इज देयर जॉब डिस्क्रिप्शन फिर हम कहते हैं सिस्टम चलता नहीं है 20 साल लग जाते हैं केसेस को उसको ये नहीं पता कि फाइलें कैसे मेंटेन करनी है उसको ये नहीं पता कि केस मैनेजमेंट क्या होता है सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव रीच्ड आउट टू 48,000 थ्रू ऑनलाइन सिस्टम द कम्युनिटी पोर्टल ऑफ व्हाट्सएप एंड वी आर नाउ रीचिंग आउट टू देम गिविंग देम कोर्सेज एंड व्हेन आई मेट द फर्स्ट बैच जो पहला मेरे पास आया बैच इसका जुडिशियल अकेडमी में एलमज का रीडर्स का वो रो रहे थे पैट उन्होंने कहा जिंदगी में हम कभी अकेडमी नहीं आए हमने तो देखी नहीं कि अकेडमी क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है सो दैट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड वी वांट टू इम्प्रूव दिस ट्रेनिंग के बगैर कंटिन्यूइंग ग्रोथ के अलावा कोई आपका सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता कंटिन्यूस रिफॉर्म्स के अलावा सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता तो अगर आपने रिफॉर्म्स का हाथ छोड़ दिया आपने ट्रेनिंग छोड़ दी तो सिस्टम इज गोइंग टू गो डाउन इट कैन नॉट इम्प्रूव तो इसलिए ये चीज़ें सोची जा रही हैं अंदर कि इसको बेहतर किया जाए लास्टली फायरवॉलिंग बहुत ज़रूरी है कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामला द जुडिशरी विल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट एनी इंटरफेरेंस दैट कम्स इन टू आर सिस्टम एंड वी टेक इट सीरियस ये नहीं हो सकता ये हमें देखना है और इस फायर वॉल को डेवलप करना है आई डोंट से वांट टू से मच बिकॉज हम सुओ मोटो में इस चीज़ को देख रहे हैं देयर हैज़ टू बी अ फायर वॉल वी हैव टू वर्क इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एंड आई वांट देम टू हियर मी नाउ All the institutions in the country must realize कि अगर जस्टिस नहीं है तो वो नहीं जस्टिस होगा तो सब चले उनके लिए भी बेहतर है उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले इफ यू वीकन द जस्टिस सिस्टम यू वीकन योर सेल्फ एवरी इंस्टीट्यूशन इज वीकनिंग इट सेल्फ इफ यू वीकन जस्टिस सिस्टम सो आई डोंट अंडरस्टैंड इज नो रॉकेट साइंस अबाउट इट प्लीज जस्टिस सिस्टम हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एंड इंडिपेंडेंट फॉर ऑल द अदर इंस्टीट्यूशंस टू डिवेलप एंड ग्रो एंड प्रॉस्पर It's a simple message. Please get through that. इतनी क्यों नहीं बात समझ आ रही किसी को? But lastly, I just want to finish it now. But I want to leave it with and I want to do it for Asma. And I cannot leave the rostrum without quoting Faiz at Asma Jahangir conference. ये आप समझें कि reform के context में देख लें या ये Asma के लिए भी देख लें. तो मैं शेर से end करूँगा. मिट जाएगी मखलूक को इंसाफ करोगे. मुनसिफ हो तो आप हशर उठा क्यों नहीं देते थैंक यू वेरी मच